दोस्तों, अब तक मेरी चैनल को आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब ना किया हो, ये रेड बटन को दबाना है और सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब एडेड हो गया। अब इसके बाद बगल में जो घंटी है इसे भी दबाना है और इसे ऑल पर रख देना है ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है लेसन नंबर 3 में, UEFI चिप प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है इसके बारे में है। तो यहाँ पर जल्दी से समय ना बिगाड़ते हुए हम UEFI चिप प्रोग्राम को खोल लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ टिक करना है और राइट क्लिक करना है माउस के बटन से और रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करना है और यस करना है। जल्दी से मैं आपको ये इसके जो फ्रंट पैनल के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये चक्र जैसा निशान है, यहाँ पर सेटिंग बटन है ये। अगर जो आपको कोई फाइल सिंक्रोनाइज करनी है तो वो आप यहां से कर सकते हैं। यहां पर जो फ्रंट पैनल में आपको टाइप जहां पर दिख रहा है वहां पर सीरियल फ्लैश लिखा हुआ है, भी आप इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने सीरियल फ्लैश सिलेक्ट किया हुआ है, आप चाहें तो EEPROM सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो IC प्रोग्राम करनी है उसको आपको सिलेक्ट करना है पहले और आइडेंटिफाई डिवाइस करना है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का नाम अगर जो आपको मालूम है, जैसे कि विनबॉन्ड होता है मैन्युफैक्चरर, ऐसे अलग अलग गीगा डिवाइस GD की जो IC आती है, एटमेल नॉर्मली मेमोरी ICs में होती है, मतलब EEPROMs में होती है। यहाँ पर फ्लैश IC ज़्यादातर आपको देखने मिलेगी विनबॉन्ड की, मैक्रोनिक्स की और GD की, मतलब गीगा डिवाइस की आइडेंटिफाई डिवाइस कर सकते हैं। तो हम जल्दी से समय ना बिगाड़ते हुए आइडेंटिफाई डिवाइस कर लेते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई डिवाइस करने पर यहाँ लिखा हुआ है कि नो फ्लैश डिटेक्टेड। ये प्रॉब्लम कब दिखेगी आपको? सबसे पहला, अगर जो ये आपने वायरिंग गलत की हो, क्योंकि ये ISP प्रोग्रामिंग है, दैट मीन्स आप बोर्ड को पावर दे के, बोर्ड के 6 कनेक्शन देकर एडेप्टर के साथ वायरिंग करके ये कर रहे हैं आप, मतलब आपको 6 वायरिंग में ग्राउंड देना होता है, VCC देना होता है, चिप सिलेक्ट पिन को कनेक्ट करना होता है, 2 नंबर की पिन सीरियल इनपुट आउटपुट 1 को सोल्डर करना होता है वायरिंग के साथ। तो किस टाइप की वायरिंग होगी मैं आपको बता देता हूं। वायरिंग कैसे करोगे? पिन नंबर 6 जो फ्लैश IC की है यहां पर 3 पे कनेक्ट होगी, पिन नंबर 2 4 नंबर पे और पिन नंबर 4 सेकेंड लास्ट पिन पे। तो ये है ऊपर का व्यू, एडेप्टर जो मिलता है इसके साथ जिसमें हम वायरिंग करके UEFI बॉक्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये फ्रंट वाला हिस्सा है जिसमें आपने ये 3 वायरिंग देख ली कैसे होती है, और इसके बाद की जो वायरिंग है वो भी देख लेते हैं, बाकी की 3 वायरिंग्स जिसमें VCC जो 8 नंबर की पिन होती है फ्लैश IC की, वो कनेक्ट होगी 1 नंबर की पिन पे जो कि बैक साइड में है। ठीक है, आपको उल्टा करके फर्स्ट देखना है ये, और चिप सिलेक्ट पिन जो है वो लास्ट से 3rd पिन है, और सीरियल इनपुट आउटपुट 0 पिन नंबर 5 जो फ्लैश IC की कनेक्ट होगी लास्ट से 2nd नंबर। सो ये है वायरिंग मैंने की हुई है बोर्ड के साथ। ठीक है, बोर्ड की फ्लैश IC पे हमने डायरेक्ट वायरिंग की हुई है ये 6 पिन की। फिर हम यहाँ पर वायरिंग प्रॉपर करके इसको कनेक्ट करना है आपको एडेप्टर को, और हमेशा वायरिंग करते समय आपको ये जो ISP एडेप्टर है जो कि इस टूल बॉक्स के साथ आता है उसे निकाल कर वायरिंग करनी है। टूल बॉक्स के साथ कनेक्ट करके आप इस बॉक्स को खराब कर सकते हैं। आइडेंटिफाई डिवाइस दोबारा से करते हैं। यहाँ जैसे ही मैं आइडेंटिफाई डिवाइस करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमने जो वायरिंग की प्रॉब्लम थी बताई आपको, जिसके बाद उसे ठीक करने के बाद यहाँ पर 25L3205 IC सिलेक्ट हो गई है, और इसमें जो कंपनी नेम आया है मैक्रोनिक्स का है, जो कि हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते थे लेकिन हमने आइडेंटिफाई डिवाइस किया। ऑटोमेटिकली ये जो टूल बॉक्स है इसने पता लगा लिया कौन सी IC है, मैन्युफैक्चरर कौन है इसका। ठीक है, इसमें फ्लैश साइज कितने मेगाबिट की है, तो 32 मेगाबिट की फ्लैश साइज है, और हमने VCC और क्लॉक को ऑटो रखा है तो अपने आप ही सेट करेगा ये। अभी हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पर रीड करने के समय पर ये, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों चेक बॉक्स हैं। जब हम आइडेंटिफाई करते हैं उससे पहले यहाँ पर अनचेक होता है ये, जैसे आइडेंटिफाई डिवाइस कर लेते हैं तो उसके बाद ये चेक बॉक्स हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम राइट करते हैं
तो फ्रेश मेमोरी हमने डालनी होती है। उसके लिए यहाँ पर कभी भी ये वाला जो पोर्शन है आपको ऑन रखना है, टिक मार्क रखना है, क्योंकि पुरानी मेमोरी इरेज करके ही नया डेटा डाला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट अभी हाईलाइट नहीं कर रहा है, बिकॉज एनी आईसी में जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो पहले आपको रीड करना होता है। तो जल्दी से हम रीड कर लेते हैं इस आईसी के अंदर से डेटा। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि रीडिंग ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है 368 किलोबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। और ये रीड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बैकअप फाइल है हमारी, जहाँ पर ये बैकअप आया है, वो ये है। आज का तारीख है 28/6/2021, और ये आईसी है जिसमें हमने डेटा जो है, आईसी का डेटा यहाँ पर सेव किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये डेटा को सेव कर लेना है, फाइल नेम दे देना है, जैसे कि मैं अभी फाइल नेम दे देता हूँ इसको V56। ओके वन, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये फाइल नेम दे दिया इसको, ताकि ये मेरे ध्यान में रहे कि ये फाइल मैंने जो सेव की है ये वही है। तो बोर्ड का नंबर जो है हमने फाइल नेम में दे दिया है। और यहाँ पर अब राइट का हाईलाइट कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे पहले रीड करने से पहले ये राइट हाईलाइट नहीं कर रहा था। तो एनी मेमोरी में आपको पहला काम यही करना चाहिए, इसलिए इसमें बाय डिफॉल्ट राइट को पहले बंद रखा जाता है। जब तक आप रीड नहीं करते हैं, राइट हाईलाइट नहीं करेगा। अब आप देखेंगे कि रीड हमने कर लिया है, अब राइट हाईलाइट हो गया है। तो यहाँ पर हम इरेज भी कर सकते हैं, या तो राइट करेंगे तो इरेज और वेरीफाई दोनों होगा। तो एक ही बार में हम राइट बटन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट करने के लिए हमने फाइल का चुनाव करना है अभी, कि कौन सी फाइल इसमें राइट करनी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने अभी अभी ये जो फाइल थी 28/6/2021 9:46 पे ये फाइल मैंने सेव की थी, इसी को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर और ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट काम जो हो रहा है इरेजिंग फ्लैश हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अबॉर्ट करना है तो आप अबॉर्ट भी मिशन कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने ये काम कर दिया तो मैं कहूँगा कि आप पूरा ही करो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि राइटिंग फ्रॉम दिस बैकअप फाइल, मतलब हमने जो बैकअप लिया था रीड करके, उसमें से ये फाइल अभी राइट हो रही है जो हमने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, जो कि हमने ये दोनों बॉक्स टिक मार्क किया था, उस हिसाब से ये अभी काम जो कर रहा है वो सही है। इसमें राइट प्रोसेस में 16 सेकेंड का टाइम लगा है और 11 सेकेंड जो है वो वेरिफिकेशन में लगा है। तो टोटल जो समय लगा ये जो आईसी फ्लैश होने में, वो 27 सेकेंड के करीब। सो ये टोटल आईसी जो है फ्लैश हो चुकी है। ये रेड बटन को दबाना है और सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब एडेड हो गया। अब इसके बाद बगल में जो घंटी है इसे भी दबाना है और इसे ऑल पर रख देना है, ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे।